नमस्कार, आप सब देख रहे हैं NDG News। क्या कभी आपने सोचा है कि आमतौर पे बादल सफ़ेद क्यों होते हैं, परंतु बरसात के मौसम में वही बादल काले हो जाते हैं? चलिए आज इसका उत्तर तलाशने का प्रयास करते हैं। तो यह समझने से पहले कि बादल काले क्यों हो जाते हैं, यह समझते हैं कि बादल बनते कैसे हैं। हमारे आसपास मौजूद हवा में जल के कण मौजूद होते हैं वायु स्वरूप में, जिन्हें हम वाटर वेपर कहते हैं। जमीन के नज़दीक मौजूद हवा जब गर्म हो जाती है तो वे ऊपर उठने लगती है और अपने साथ वाटर वेपर को भी ऊपर ले जाती है, और जैसे जैसे वे ऊपर जाने लगता है वे ठंडे होने लगते हैं, जिसके कारण वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है और वे हवा में मौजूद धूल के कणों के आजू बाजू बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बूंदें मिल करके बादल का स्वरूप ले लेती हैं। हमारे वातावरण में मौजूद कणों के विपरीत, जो कि प्रकाश की बाकी रेस के मुकाबले नीले रंग की रे को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है आसमान नीला नज़र आता है। जो बादल के छोटे छोटे कण होते हैं वे सभी रंग के लाइट रेस को बराबर मात्रा में स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें वे सफ़ेद नज़र आते हैं, परंतु वे काले होते जाते हैं जैसे जैसे उनकी थिकनेस ज़्यादा होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? वे जितना ज़्यादा मोटा होता जाता है वे उतने ज़्यादा मात्रा में लाइट को स्कैटर करता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम लाइट उसके अंदर से सीधी गुजर पाती है। तो बादल के जो कण सबसे नीचे होते हैं उनके पास बहुत ही कम प्रकाश बचा होता है स्कैटर करने के लिए, जिसकी वजह से वे काले नज़र आते हैं। हम जमीन से जो बादल का हिस्सा देखते हैं वे सबसे निचला हिस्सा ही होता है। वे बादल जितना ज़्यादा मोटा होता जाता है वे उतना ही ज़्यादा काला नज़र आता है। तो अब हमने जान लिया है कि आखिर बारिश के बादल काले क्यों होते हैं। धन्यवाद। आप सब देखते रहिए NDG News।